नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। गुरुग्राम की जिला अध्यक्षा गार्गी कक्कड़ ने अपने मंडल प्रवास कार्यक्रम के तहत मानेसर मंडल में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से किन किन मुद्दों पर बात हुई, आइए आपको सुनाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार जिले में जितने मंडल होते हैं उसमें जिलाध्यक्ष का प्रवास रहता है, जिसमें संगठन के विषय पे चर्चा, बैठकों के माध्यम से पुराने लोगों से मिलना जुलना और समाज में जो विषय रहते हैं उन पर चर्चा। सरकार, क्योंकि सरकार भी हमारी है, सरकार के माध्यम से और क्या बेहतर हो सकता है और संगठन क्या विषय अपना सरकार तक पहुंचा सकती है, वो फीडबैक लेना कार्यकर्ताओं के माध्यम से, यही बैठक का मुख्य विषय रहता है। ऐसे दो कामों को लेकर पार्टी का कार्यकर्ता समाज में समाज के लोगों से संपर्क करेगा। राजनीतिक दल के लोग मात्र वोट मांगने जाते हैं या कोई लोग उनको नॉक करते हैं तो प्रशासन से काम कराते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पहला ध्येय है कि कार्यकर्ता सामाजिक काम के अंदर लगे, समाज की सेवा करे। इसीलिए हमारा स्लोगन भी है, सेवा ही संगठन है। इस मिशन को लेकर कार्यकर्ता लोगों को अवेयर करने के लिए हर बूथ स्तर पर उतरा है, हर कॉलोनी में जाए और जो PPP परिवार पहचान पत्र है इसमें भी लोगों का सहयोग करके उनके, क्योंकि आगे सरकार की तरफ से मॉनिटरी है कि आपको बिना परिवार पहचान पत्र के बच्चों के एडमिशन कराने में दिक्कत होगी, लाइसेंस बनवाने में दिक्कत होगी, परिवार प्लॉट ले लिया तो उसकी रजिस्ट्री में दिक्कत होगी। तो दूसरे अदर पार्टी के लोगों ने एक भ्रम फैला दिया है कि ये परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाना चाहिए, तो लोगों को अवेयर करने के लिए संगठन का कार्यकर्ता अपनी कॉलोनी में, अपने इलाके में, अपने बूथ पर सब जगह लोगों को अवेयर करेगा। तो जहाँ वैक्सीनेशन की बात है और वहाँ उनके लिए परिवार पहचान पत्र के लिए भी क्षेत्र में उनकी मदद करेगा, कैंप लगवाएगा और उनका पूरा सहयोग करेगा। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।